सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो है ये नई वाली स्विफ्ट के ऊपर है, जो न्यू मॉडल स्विफ्ट का आता है। और ये टोटली डिपेंड करती है वीडियो इसके म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड, और इसके अंदर कुछ एक बहुत बढ़िया एक्सेसरीज जो हमने लगाई हैं। गाड़ी का वेरियंट है VXI स्टीरियो के साथ। हम सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके स्टॉक स्पीकर ही हैं स्टीरियो के साथ, हम इसके कनेक्ट कर रहे हैं एक 4 चैनल का रॉकफोर्ड का प्राइम सीरीज़ का एम्पलीफायर, और साथ में 1400 वाट की रॉकफोर्ड की बेस ट्यूब। और ये आपको जो मैं दिखा रहा हूँ इसका प्रॉपर कपलर, जो हाई लो कन्वर्टर जिसे हम कहते हैं कि इस चॉक स्टीरियो में आउटपुट नहीं होती है। और हाई लो कन्वर्टर हमें अगर लगाना है तो बहुत सारे लोग तारे काट देते हैं, कुछ कहीं से भी लेते हैं। हमने इसका प्रॉपर कपलर हमने बहुत सारी गाड़ियों का बनवाया हुआ, जैसे हमने हुंडई का, मारुति का, टोयोटा का बनवा के रखा हुआ अपने पास, जिससे हमें कोई तारे नहीं काटनी पड़ती, सीधा हम प्लग एंड प्ले करते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर होता हुआ काम, और जो वायरिंग का तरीका, जो हम लोग वायरिंग किस तरीके से करते हैं एम्पलीफायर की, कितनी नीटली करते हैं, कितनी सफाई से करते हैं और कितनी प्रॉपर तरीके से करते हैं, आपको वो देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप ये देख लो, इसके अंदर हम लगा रहे हैं ये वाला प्राइम सीरीज़ का 500 वाट पीक एम्पलीफायर और 1400 वाट की रॉकफोर्ड की ही बेस ट्यूब। अगर बात करूँ इसके जो RMS वाट की, तो 160 वाट RMS का एम्पलीफायर है पर चैनल 4 चैनल्स पे, और जो प्रॉपरली इसको रन करेगा। स्पीकर्स हम लोग नहीं चेंज कर रहे हैं उसके लिए साउंड मैच कर सके, इसलिए फ्रंट वाले जो कोएक्सियल स्पीकर, जो कंपनी इंस्टॉल्ड स्पीकर्स हैं, उनको हम लोग एम्पलीफायर पे दे रहे हैं उसका हाई पास बढ़ा के और गेन उसकी नॉर्मल कंट्रोल करके, ताकि जो वूफर की जो साउंड है, जो बेस है, उसके साथ उसकी लेवल को मैच कर सके। तो ये आप स्पेसिफिकेशंस देख रहे हो, ये 4 ओम्स पे 160 वाट RMS का एम्पलीफायर है ये, और 4 चैनल्स पे ही, और 2 ओम्स पे ये हो जाता है आपके सामने लिखा हुआ है। सो काम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे काम हो रहा है। सो यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर वगैरह इंस्टॉल हो चुका है और वूफर भी इंस्टॉल कर दिया हमने, और आपके सामने है कि वायरिंग का तरीका आप देख सकते हैं, बिल्कुल अंडरग्राउंड वायरिंग आपको मिलेगी। सारी वायरिंग कारपेट के नीचे से रूट हुई हुई है, कहीं से भी एक्स्ट्रा वायर आपको नज़र नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं, ये अभी जो साइड के जो पैनल्स हैं हमने बंद इसलिए नहीं करे ताकि मैं वीडियो में आपको दिखा सकूँ कि वायरिंग कितने सॉर्टेड तरीके से हो रखी है। अदरवाइज़ आपने और गाड़ियों में अगर देखा होगा तो कभी पैर के नीचे एम्पलीफायर टच हो रहा है, कभी उसकी कोई लीड टूट रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो वायरिंग इतनी बढ़िया तरीके से हुई हुई है कि इसमें आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। प्लस जो हमने ब्रांडेड एम्पलीफायर लगाया, ब्रांडेड वूफर लगाया, तो उससे क्या है कि जो पंच है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। स्पीकर्स को हमने स्टॉक स्पीकर्स को फ्रंट वाले हमने कनेक्ट किया है ताकि साउंड लेवल दोनों का मैच कर सके आपस में, वूफर का और उसका। अदरवाइज़ फ्यूचर में कस्टमर फ्रंट में कॉम्पोनेंट्स पर जाएंगे, ये आप वूफर पर एक बार लुक मार सकते हैं, इतनी जगह ये आपकी लेता है, या फिर कह सकते हो कि इतनी जगह बचती है अभी भी आपके पास अगर आप बेस ट्यूब लगा रहे हैं। अगर आप इंक्लोजर पे जाते हैं तो आपकी और जगह बचती है, क्योंकि और वो बहुत कम्पैक्ट होता है। बाकी आगे भी आपको दिखाता हूँ और क्या क्या लग रहा है इस गाड़ी के अंदर, प्लीज़ बने रहें इस वीडियो में। सो गाइज, इट्स टाइम कि आपको एक बार एक्सेसरीज पर भी लुक इसकी दिखा दी जाएगी, एक्सेसरीज हमने क्या क्या लगाई हैं और गाड़ी कितनी माउथ वाटरिंग, मतलब इसमें क्या लुक निकल कर आई है अगर आप देखोगे तो आपके सामने ही है। स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इसके अंदर जो हमने ब्लैक क्रोम बम्पर गार्ड्स लगाए हैं, बम्पर एजेस लगाए हैं, ये 4 पीस का सेट आता है, 2 पीछे और 2 आगे, ये आप देख सकते हैं इसकी लुक। ये यूनिवर्सल नहीं है, इसके प्रॉपर स्विफ्ट के ही ये बम्पर एजेस हैं जो हमने इसके अंदर लगाए हैं। प्लस हमने इसके साथ लगाई है ये डिक्की पत्ती, इसको कहते हैं, ये भी ABS क्रोम के अंदर डिक्की पत्ती है, जो ओरिजिनल अगर आप शोरूम से परचेज़ करते हो ये प्रोडक्ट, तो ये वही बिल्कुल सेम चीज़ है ABS, ये कोई लोकल स्टील की नहीं है, ABS क्रोम है। साथ में इसके अंदर हमने लगाए हैं 2 फंक्शंस वाले पिलर लाइट भी है, इसके ओरिजिनल फिटिंग वाले पिलर लाइट्स हैं, अदरवाइज़ कई लोग पेस्ट कर देते हैं। हमारे पास जो पिलर लाइट्स हैं जो हमने इसमें लगाए हैं, वो पैनल पूरा रिप्लेस होता है, आपका पहले वाला पैनल उतर के दूसरा पैनल हमने लगाया हुआ है यहाँ पर, जिसकी फिटिंग और फिनिशिंग आपके सामने है, बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट की तरह लगता है। ये काम ही ऐसे करता है कि जब आप पार्किंग ऑन करोगे तो ये रेड हो जाएगा, और जब ब्रेक मारोगे तो रेड हो जाएगा। प्लस आपको बेस ट्यूब मैंने दिखाई दी है, ये बेस ट्यूब हमने यहाँ पे टाई भी कर दिया ताकि आप जब गाड़ी चलाओ तो ये हिले डुले ना। बाकी हमारे पास ब्रांड्स और भी अवेलेबल होते हैं, इसमें इंक्लोजर भी अवेलेबल होते हैं, इफ़ यू वांट कि भाई आपको बहुत ज़्यादा बेस चाहिए तो उसमें ज़्यादा RMS के वूफर भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, दिखाऊँ साइड में, तो हमने बॉडी कलर इसके अंदर क्रोम लाइन वाली साइड बिडिंग लगाई है। इसमें अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो ब्लैक वाली भी अवेलेबल होती है, बट इसके अंदर कस्टमर वांटेड के सिल्वर लगे तो हमने सिल्वर ही लगाई है। साथ में हमने क्रोम एडप्स किया है इसके अंदर, हैंडल क्रोम लगाए हैं, ये जो लगाए हैं ये भी ABS के अंदर हैं, इंडियन नहीं है, इम्पोर्टेड है। और ये इसका पीछे वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, 42 माइक्रोन्स का इसके ऊपर क्रोम हुआ होता है, जिससे क्या रस्टिंग का चांस बहुत कम होता है। ये क्रोम लाइन वाले डोर वाइजर हैं, ये गैलियो ब्रांड के डोर वाइजर हैं, इसकी भी बड़ा मतलब स्टाइलिश एक बार लुक आ रही है, आप देख सकते हैं। मेरी बहुत सारी गाड़ियों में अगर आप वीडियो देखते हैं तो हम हर गाड़ी में डोर वाइजर रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छे हमारे पास
ये गैल्यू ब्रांड के हैं, और ये वेलकम प्लेट्स भी हमने इसके अंदर लगाए हैं, आपको दिखाऊंगा अभी मैं। ये पहले आप सीट कवर पे लुक मार लो, प्योर ब्लैक सीट कवर लगाए हैं, सिर्फ थ्रेडिंग का काम करा है, कोई डिज़ाइन नहीं किया इसके अंदर हमने। फिटिंग फिनिशिंग आपके सामने ही है कि कितनी ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। VXI मॉडल की सीट्स अपने आप में बहुत ज़बरदस्त हैं, इसका कम्फर्ट लेवल सीट कवर लगने के बाद और बहुत बढ़िया हो जाती है, आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग और फिनिशिंग। साइज चाहे साइड्स देखिए चाहे फ्रंट से देखिए, मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ एक बारी, ये आपके सामने है। ये रियर की सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रही है, इसकी भी फिटिंग और फिनिशिंग आपके सामने है। बहुत अच्छी क्वालिटी का PU यूज़ हुआ हुआ है इसके अंदर, जो जिसे कहते हैं लेमिनेटेड PU, हम लोग मोस्टली ये वाला PU लगाते हैं। इससे क्या है कि फिटिंग और फिनिशिंग जो है गाड़ी में वो बिल्कुल बहुत बढ़िया आती है, कहीं से रिंकल्स और चुनटें वगैरह बहुत कम आती हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर लगाई है वेलकम प्लेट्स, ये ब्लू कलर की इसके अंदर लाइट ब्लिंक होती है जैसे ही आप डोर खोलोगे। फुल एक्रेलिक के अंदर ये न्यू डिज़ाइन आया हुआ है, जो एक पहले डिज़ाइन आता था वो स्टील में आता था, और ये पीछे वाला पीस है, बट ये न्यू डिज़ाइन आया हुआ है जिसको फुल एक्रेलिक में कहते हैं। फुल पीस में लाइट जलती है, अदरवाइज़ पे जो पहले डिज़ाइन होता था उसमें छोटा लिखा आता था गाड़ी की बैजिंग, उस पर लाइट जलती थी। और स्टीरियो हमने इसका चेंज कर दिया है, पहले स्टॉक स्टीरियो में हम काम कर रहे थे, कस्टमर ने जब काम देखा ही वॉन्टेड कि स्टीरियो भी एंड्रॉयड लगाया जाए। सो यहाँ पे हमारा गाड़ी का लगभग जो सारा काम है वो ख़त्म हो चुका है, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। तो ये मूवमेंट आपको एक बार स्टीरियो दिखा दिया जाए, इसके अंदर हमने कौन सा लगाया। पहले जो हम इसके अंदर स्टीरियो, हमने इसका स्टॉक स्टीरियो रहने दिया था, बट उसके बाद कस्टमर का माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया, वो कहते हैं मेरे को स्टीरियो में भी अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले तो आपको स्टीरियो की मैं लुक दिखा दूँ, अगर आपने स्विफ्ट की कोई अगर आपने स्विफ्ट की पहले से कोई वीडियो देखी हुई है तो उसमें शायद आपको पता होगा कि भाई स्टीरियो जो है वो मैट ब्लैक कलर का आता है, बट इसके अंदर हमने बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फील देने के लिए स्टीरियो का जो पैनल है उसको हमने पियानो ब्लैक का करा, ताकि ऐसा कहीं से लगे ना कि ये ZXI नहीं है, क्योंकि ZXI में अगर आपने देखा होगा तो उसमें पियानो ब्लैक ही आता है। तो इसको सेम देने के लिए हमने लुक फील पियानो ब्लैक ही रखा हुआ है, वो हाथ मार के खुलेंगे, वो हमने बिल्कुल वैसे रखा हुआ है। तो एक बार उसके मैं आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। ये 16GB 2GB रैम वाला स्टीरियो है, जो कि डिस्प्ले में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे सिस्टम इन्फो में जाके देखेंगे तो ये यहाँ पे नज़र आ जाएगा आपको कि भाई इसकी 2GB रैम और 16GB इसकी मेमोरी है, और एंड्रॉयड वर्जन 8.1 है। और अगर स्मूथ टच की बात करूँ तो वो बिल्कुल स्मूथ होता है। हम यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके ये लास्ट आइटम इसके अंदर जो आपको दिखानी रह गई थी, जो हमने लगा दी है, वो फ्रंट वाले DRLs फॉग लैंप के साथ हमने इसके कनेक्ट कर दिए हैं डी, और साथ में ये यू क्रोम भी जो आप देख रहे हैं, ये एक चीज़ रह गई थी, पीछे हमने डिक्की पत्ती लगाई थी, तो वही ओरिजिनलिटी को बरकरार रखने के लिए और सुंदरता और बढ़ाने के लिए गाड़ी की हमने इसका जो ये यू क्रोम लगाया हुआ है आपके सामने है, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये DRLs के कनेक्शन ऐसे किए हैं कि आप जैसे चाबी ऑन करेंगे तो वाइट DRLs आपके ऑन हो जाएंगे, और इंडिकेटर देंगे तो ये ब्लिंक हो जाएंगे। और इसके साथ वायरिंग के साथ करने के लिए मैं आपको बताऊँ, कोई तार वार हमने नहीं काटी है, जस्ट प्लग एंड प्ले किया है। फॉग लैंप्स को भी हमने पार्किंग के साथ ही कनेक्ट किया, ताकि आप पार्किंग ऑन करें तो आपकी फॉग लैंप्स जल जाएँ। सो ये सारा काम स्विफ्ट के अंदर हुआ है। अगर आप अपनी गाड़ी में ऐसा काम कराना चाहते हैं, आप बिल्कुल मेरे पास आ सकते हैं या फिर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरी शॉप का नाम लाडी कार एसेसरीज़ है, करमपुरा में, दिल्ली में।